3 दिन से मैं लगातार ब्लॉग नहीं बनाया। आप लोग तो पूछेंगे ही मैं क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली बहुत काम कर रहा था। काम का इफेक्ट अभी आप लोगों को पता चलेगा। सो 3 दिन से ब्लॉग में इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक चीज में मैं स्टडी कर रहा था बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर। मैं देख रहा था यूट्यूब में, गूगल में, सब कुछ मैं देखा, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में जाना कि किस लिए ये हो रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड। से पहले नॉर्मली हम लोग मूवी देखते थे, मूवी एंजॉय करते थे, हम लोग टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाते थे, हम लोग 3 घंटे के लिए सोचते थे कि हम लोग एक हीरो है, वो हीरो की जगह में हम है, नहीं तो वो हीरोइन की जगह में हम है। ऐसा सिचुएशन हम लोग को था। 90s से लेकर 2019 तक बॉलीवुड का सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। इसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब से रिव्यू होना चालू हुआ। आज का डेट में क्या होता है कि रिव्यू एक बहुत बड़ा मैटर करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज का डेट में। बॉयफ्रेंड हो या तो दोस्त लोग हो या तो कॉलेज स्टूडेंट हो या तो कोई भी हो, सब लोग क्या करते हैं मूवी देखने जाने से पहले यूट्यूब में उसका ट्रेलर देख लेते हैं या तो उसका रिव्यू देख लेते हैं कि मूवी कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका कास्टिंग क्या है, नहीं है, ये सब कुछ अभी आप जान सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसमें कि आप जब ऑलमोस्ट जान जाते हो, प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू होता है कि ये मूवी जो है रिलीजन के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, रिलीजन के ऊपर बनाया गया है लेकिन मूवी का हीरो कौन है? अच्छा, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग अल्टीमेट देखा जाए तो हम लोग लड़ उसी जगह में ही रहे हैं, हम लोग लड़ जो रहे हैं वो रिलीजियन के ऊपर ही लड़ रहे हैं। ऐसे डेट में देखा जाए हम लोग लड़ किसके ऊपर रहे हैं? अभी आज का डेट में लड़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने के लिए। अभी तक ब्रह्मास्त्र रिलीज भी नहीं हुआ, उसको बॉयकॉट करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। पहले उसको देख लेने तो दो, पहले उसको देख लो, देखने के बाद फिर लड़ो। मैं यही बात सिर्फ बोलूँगा कि पहले देखो उसके बाद लड़ो। हाँ, मेरे को पता है लाल सिंह चड्ढा में क्या हुआ, करीना कपूर ने बोल दिया कि मत देखो, अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो मत देखो। सेम चीज़ में आलिया भट्ट भी दोहरा कि मेरे को मत देखो अगर पसंद नहीं हो। रणबीर कपूर बोल दिया कि आई एम अ बिग फैट बीफ गाय, ऐसा कुछ बोला था बात, मतलब जिसमें समझ में आया था कि वो बहुत पसंद करता है गोमांस, बहुत ही पसंद करता है, ऐसा बात समझ में आया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो मूवी है ये एक अलग टाइप का मूवी है, बेसिकली अलग टाइप का, क्योंकि अभी तक डेट में आप देखो, अभी का डेट में, आज का डेट में कुछ भी नहीं है। एक लड़की का फैमिली, एक लड़का का फैमिली, कैसे भी मोहब्बत होता है, प्यार होता है, झगड़ा होता है, बीच में फैमिली आ जाता है, ये आ जाता है, यही चल रहा है। हम लोग बचपन से जब से मूवी देख रहे हैं सेम चीज़ ही चल रहा है। आज जो ब्रह्मास्त्र है ये बेसिकली चेंज कर रहा है मूवी का जेनरेशन को ही चेंज कर रहा है धीरे धीरे। सो अगर इसको हम लोग अभी बॉयकॉट कर देते, पहले देखो, मे बी कल मेरा टिकट है, हाँ मैं बताना भूल गया, मेरा टिकट है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले मूवी को देखो, कोई भी मूवी बॉयकॉट करने से पहले पहले मूवी को देखो। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत कुछ स्टडी करके कि बहुत लोग ऐसा भी हो रहा है कि रिव्यू देख के सेंटिमेंट से हिट हो जा रहा है कि नहीं 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 ये मूवी देखने नहीं जाना, ऐसा बोला है हीरो हीरोइन ने, ऐसा बोला है, मैं क्यों जाऊं, क्यों देखूं। ऐसा नहीं है, पहले मूवी को देखो फिर अपना डिसीजन लो कि मूवी गलत है कि सही है। सो आज व्लॉग स्टार्ट किया थोड़ा सा ज्ञान देके। एक्चुअली 3 दिन में छुट्टी ले लिया। मैं ये सेम बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह सब कुछ देख के। मेरा तो मतलब मैं तो यही जाना कि ये चीज़ के ऊपर, ये 3 चीज़ के ऊपर, नेपोटिज्म, फिर उसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, एंड उसके साथ साथ ये हो गया रिलीजियन केस कि हिंदू मुस्लिम, इसको कोई अप कर रहा है, कोई डाउन कर रहा है, कोई पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, कोई कुछ है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा मत करो। मैं बताऊंगा कि पहले मूवी को देखो, पहले जानो कि उसमें क्या ठीक है क्या भूल है, ये सब कुछ जानने के बाद फिर अपना डिसीजन दो। उससे पहले कभी भी डिसीजन मत लो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉम्प बाइसेप्स। सो आज इतना चमक रहा है उसका कारण जो है इसके पीछे मेरा रिंग लाइट, इतना दिन के बाद जाके ये वाला रिंग लाइट काम पे आया।
सच बोलने से बहुत चमक रहा है, बहुत 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 ही खतरनाक चमक रहा है। सो मैं अभी से सोचा कि इसको एक काम करूंगा, ये जो स्टैंड है मेरा पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो स्टैंड है एक्चुअली वो देखो स्टैंड दिखाई दे रहा है कड़ियों के बगल से, स्टैंड को मैं यहाँ पे जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा ये साइड में मैं इसको खड़ा कर दूंगा, खड़ा करके लाइट को मैं ऑन कर दूंगा। इसका तो कुछ नहीं है, इसका दो तीन मूड और भी है, मैं एक्चुअली इसका मूड जो है भूल गया। हाँ ये देखो एक वॉर्म वाला है, ये वाला एक लाइट है, ये वाला ये वाला ये वाला। सो इसमें क्या होता है, मतलब एक ग्लो अलग से आ जाता है। मैं बेस्ट मानता हूँ इसको भाई, तगड़ा लाइट है तगड़ा। सो अभी बहुत जोर का भूख लगा है, मैं ये वाला बिस्किट लेके आया। क्या है, सनफिश का ऑलराउंड कुछ है, तो ये वाला बिस्किट मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही तगड़ा है एंड इसका जो शेप है एकदम गोल गोल वाला है। देखो ये देखो कैसा है देखने में, देखा कैसा गोल गोल वाला है। तो ये एक्चुअली इसका टेस्ट मेरे को बहुत ही अनोखा लगता है, इसीलिए मैं इसको खाता हूँ। एक तो बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रहा है। अरे भाई ये तो भाई बहुत तकलीफ देता है मेरे को। सो जो मैं देखा कैसा हालत देखा ना, जैसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ ठक ठक ऐसा हो रहा है, आई देखा फिर से हो गया। इसका टाइम आ गया, इसको अभी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। आज कुछ अलग टाइप का मैं बनाने वाला हूँ, सूप टाइप का ही, लेकिन कुछ स्पाइसी वगैरह ये सब कुछ आप घर में भी खा सकते हो और हेल्दी भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो मैं ये अभी बनाने वाला हूँ, आप लोगों को भी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो कैरी करता हूँ मेरा सब कुछ मेरे साथ, जो है कि मेरा ट्राइपॉड ये वाला, क्योंकि लाइट का ज़रूरत है, मेरा किचन में उतना अच्छा लाइट नहीं है। सो लाइट कैरी करना पड़ेगा, और मैं जो देख लिया ना ये लाइट से ना तगड़ा वाला ब्लॉग होता है। सो ये लाइट मेरे को कैरी करना पड़ेगा, जब भी मैं इन हाउस में ब्लॉग बनाऊंगा ये लाइट कैरी करने वाला हूँ, और जब मैं बाहर रहूँगा, बाहर में तो सनलाइट वगैरह है और फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा लाइट लगा दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला बाहर। क्या है, जब मैं ये दीवार पर रहता हूँ ना वाइट में क्या हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता लाइट के, इसमें लाइट आ जाता है। लेकिन जब मैं ये साइड ये सब बगेड़ा में रहता हूँ ना, ऐसा मतलब डीप टाइप का कलर में, ये सब ग्रीन कलर में, तभी हो जाता है लाइट का इशू। सो इसीलिए लाइट कैरी करना सबसे अच्छा। बाप रे, सो किचन में आ गया, और जो जो सामान हम लोगों को आज चाहिए खाना पकाने के लिए वो एक्चुअली ये कैप्सिकम है, ये गाजर है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिर्चा मैंने ले लिया है, और बीन्स मैंने ले लिया है इसमें। सो ये सब कुछ आज हम लोगों को चाहिए जो मेनू, उसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा चाउमीन भी चाहिए। एक्चुअली मैं अलग टाइप का कुछ बनाने वाला हूँ आज, सो इसीलिए मैं सोचा कि चलो व्लॉग में इसको डाल देते हैं, ताकि जो जो मेरे को फॉलो करते हो एटलीस्ट आप लोग भी सीख जाए। मेरा पीछे जो ड्रम दिखाई दे रहा है, कभी भी वीडियो में दिखाई देगा तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये पानी वाला ड्रम है, इसमें पानी जमा के हम लोग रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अंडमान में पानी का शॉर्टेज बहुत है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा जमा के रख देते हैं, तो बाद में जाके जब गर्म पड़ेगा या तो जब भी पानी का शॉर्टेज होगा तो उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो अभी चिकन यहाँ से निकालना पड़ेगा, अरे मक पूरा जम गया है। शुक्र है, अभी इसको थोड़ा सा नरम होने दो, तब तक हम लोग इसको काट लेते हैं। काटने के लिए यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड एंड हम लोगों का चॉपर रेडी है भाई काटने के लिए। शॉर्ट एंड सिंपल बने, इतना हैजर्ड नहीं रहे और उतना प्रॉब्लम ना हो, आपको इजीली समझ में आए, तो थोड़ा सा पार्ट मैंने स्किप कर दिया।
स्किप एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे चॉप करके मैंने रखा है। देखो ये वाला तो आप चॉप करते हुए देखे हो, ये वाला भी देखे हो, ये वाला भी देखे हो, ये वाला भी देखे हो, लेकिन जो चीज़ आपने नहीं देखा वो है कि ये दोनों चीज़, ये है चिकन चॉप और ये वाला थोड़ा सा मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया जो लास्ट में मेरे को फ्राई करने में काम आएगा। फिर मैंने लाइट बिठा दिया। एक्चुअली ये लाइट में इतना शाइन करता है ना, इतना फाइनेस्ट कलर आता है कि भाई बोलो मत। इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा लेता, आहा हा, तगड़ा वाला लाइट आ रहा है, तगड़ा वाला। जिनमें अभी व्लॉग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा लाइट होने से। और अभी पानी यहाँ पे गर्म होना है, मैंने दे दिया, ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है पानी। अभी इसमें पहले मैं ये सबको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। चलो मैं डाल ही देता हूँ, सब कुछ चला गया है। अभी एक हाथ से तो नहीं होने वाला, थोड़ा सा और एक हाथ भी लगाना पड़ेगा, इसलिए कैमरा को अभी मैं रखता हूँ फिलहाल अभी के लिए 2 मिनट के। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने गाजर और बीन्स और थोड़ा सा मिर्चा, हरा मिर्चा यहाँ पे डाल दिया। अभी ये बॉइल्ड होगा और उसके साथ साथ ये जब बॉइल्ड हो जाएगा, ऑलमोस्ट जब बॉइल्ड हो जाएगा, तब इससे आधा, ये पूरा वाला नहीं, ये वाला जो चाउमीन पैकेट है ये आधा मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर। डाल के इसको भी थोड़ा उबाल लूँगा और उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक। बॉइल्ड हो चुका होगा तब आप चिकन को डालो, इसको हल्के से पका लो क्योंकि इसके बाद इसको फ्राई भी करना होगा। थोड़ा सा मतलब ऑयल एंड थोड़ा सा आपका वो क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर का सॉस होता है, सोया सॉस, सोया सॉस देके आपको थोड़ा सा हल्का टॉस करना पड़ेगा, तभी जाके कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। एक्चुअली ये मतलब सूपी टाइप का नहीं है, लेकिन प्रोसेस सूप टाइप का है, लेकिन सूपी टाइप का डिश नहीं है। सो यहाँ पे जो देख रहे हो आधा मैंने कर लिया, ये वाला पैकेट यहाँ पे आधा और आधा यहाँ पे डाला। ये एक्चुअली इसके अंदर जाने वाला, साइड में जो अभी साउंड हो रहा है इसको थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि ऊपर दवाई खाने का टाइम होता है, फिलहाल उसको दवाई दे देता हूँ, नहीं तो सुबह की तरह मैं दवाई भी भूल जाऊँगा उसको देना। सुबह एक्चुअली आज सुबह दवाई दिया था, आज सुबह दिया था नहीं दिया, आज सुबह मैंने भूल गया, एक्चुअली मैं ही भूल गया, दूंगा दूंगा करके मैं पूरा भूल गया, पूरा मेरा माइंड से आउट हो गया। सो अभी मैं फिलहाल उसको पहले दवाई दे देता हूँ। मैं एक मोटो ले लिया कि जब भी मेरे को याद आएगा सुबह और शाम को मैं उसको दवाई दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि जब अलार्म बजेगा तभी, जब भी मैं काम पे जाऊंगा उससे पहले मैं फटाफट रुक के पहले उसको दवाई दे दूंगा, ताकि वो तो खाने वाला नहीं है, वो देखो उसको मिक्सर दो, आइसक्रीम दो, कुछ भी दो वो खा लेगा, दवाई छोड़। हालत देखो, हस्बैंड इतना अच्छा खाना बना रहा है, डिश पका रहा है, कोई थोड़ा सा हेल्प करो जाके इसको, वो नहीं। देखो क्या देख रहा है, देखो यहाँ पे कार्टून देख रहा है और वहाँ पे उसका मिक्सचर चल रहा है। हेलो बिस्किट, देखा कैसा जलील औरत है, देखो बैठ के देख रहा है वहाँ पे कार्टून, थोड़ा सा आके हेल्प आउट भी कर लेगा ना, हेल्प आउट नहीं करेगा, सिर्फ बैठ के देखो 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 देखो, लुक देखो, लुक देखो उसका। यहाँ पे गर्म हो रहा है, देखो लाइट भी ऑफ कर लो खुद से, लाइट भी ऑफ करो। हाँ देखो, शादी मत करो रे भाई, शादी करोगे तो फंसोगे, मैं बता दे रहा हूँ। सो अभी इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, आखिर में जाके ये चिकन को इसमें डालना पड़ेगा और उस बीच थोड़ा सा विनीगर ऐड करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। एक्चुअली चाउमीन डालना है तो चाउमीन जो होता है वो मैदे का होता है, तो मैदा क्या करता है पानी सोख लेता है, तो इसके लिए अभी पानी इसमें डाल देना है। अभी चलो जितना पानी है अभी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑलमोस्ट ये तो गर्म हो जाएगा, 5-10 मिनट में ये गर्म हो जाएगा, होने के बाद इसमें हम लोग ये वाला डाल लेंगे। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं गर्म होने के, जब तक गर्म होता है तब तक बोल देता हूँ कि कल हम दोनों जा रहे हैं, मैं और पीयू, हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए। फिलहाल बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग पहले देखने वाले हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक सीन अभी देखा है बॉयकॉट बॉलीवुड का, जब भी मैं नोटिस कर रहा था देख रहा था तभी एक सीन मैंने देखा कि उसमें दिखा रहा है रणबीर कपूर मंदिर का घंटा बजा रहा है विथ जूता पहन के। सो इसको लेके भी बहुत लोग बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई पहले स्टोरी देख लो, उसके बाद तुमको बॉयकॉट करना है कि नहीं करना है वो बाद में करो। मूवी बॉलीवुड में पहला बार हो रहा है जो हॉलीवुड को भी बीट करने वाला है, सो इसको पहले देख लो, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है कि 21,000 प्लस थिएटर में टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है कल का, और प्लस 2 लाख या 3 लाख के ऊपर टिकट ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, मतलब एडवांस बहुत लोगों का क्रेज है देखने जाने का। सो जो जो भी बॉयकॉट कर रहे हो, मैं बोलूँगा एटलीस्ट
पहले मूवी को देख लो, उसके बाद बॉयकॉट करो। सो ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अभी हम लोग इसको इसमें डाल देंगे। चलो इसमें डाल दिया, अभी इसको गर्म होने दो, थोड़ा सा पकने दो, बॉइल्ड होने दो, आखिर में चिकन इसमें डाल देंगे। अभी बारी जो है नमक डालने का। सो नमक में इसमें स्वाद अनुसार इतना मैं डाल रहा हूँ, अगर फिर भी नमक लगेगा तो खाने के टाइम हम लोग डाल लेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं और एक बार डाले तो एक बार डालना नहीं होता। बस अभी अगर नमक किसी को लगेगा तो खाने के टाइम डाल लेगा इसे। सो अभी बारी जो है विनीगर डालने का। एक ढक्कन हम लोग विनीगर इसमें डालने वाले हैं। आगे क्या एक ढक्कन विनीगर ही इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, अभी इसको फ्रिज में डाल। तो एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया, आप चाइनीज़ फूड बना रहे हो और प्याज नहीं डालोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो मेरा ही गलती था, मैंने प्याज डालना भूल ही गया था। सो इसलिए मैं प्याज अलग से काट लिया, अभी इसको मैं डालने वाला हूँ, मतलब फ्राई करने वाला हूँ। हल्का सा लाल मिर्चा, उसके साथ थोड़ा सा ये प्याज और कैप्सिकम और अदरक बोलता हूँ, लहसुन, इसको डाल के मैं हल्का सा फ्राई करके फिर जो मैं बॉइल करके यहाँ पे रखा है उसको मैं डालने वाला हूँ। यहाँ पे बॉइल कर लिया, और चिकन मैंने नहीं अभी तक बॉइल किया, उसको मैं अलग से बॉइल कर लूँ, तो छोटा एक पैन में बॉइल करके फिर डाल दूँगा। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, एक्चुअली चिकन के लिए और कुछ नहीं है। चिकन मैं अलग से इसमें गर्म कर लूँगा, गर्म करके जब भी मैं ये सब चीज़ को मैं टॉस करने वाला हूँ तभी इस चिकन को भी मैं टॉस कर लूँगा। सो चिकन यहाँ पे डाल दिया बॉइल्ड होने के लिए, अभी ये बॉइल्ड हो रहा है। एक्चुअली इसको मैं उतना मतलब तगड़ा वाला बॉयल नहीं करने वाला हूँ, इसको हल्का मैं बॉयल करने वाला हूँ, जस्ट हल्का बॉयल्ड होगा, क्योंकि इसके बाद जब टॉस होगा तब भी ये बॉयल्ड होता रहेगा। बॉयल्ड चिकन यहाँ पे मैंने रख दिया है, अभी सिर्फ कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें हम लोग थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ये जो लाल मिर्चा दिखाई दे रहा है ये इसमें तेल डाल के फिर थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे ये वाला गार्लिक को डाल देंगे, उसके बाद ये कैप्सिकम और ये हम लोगों का ऑनियन। फाइनली हम लोगों का लजीज जो डिश है वो बन चुका है। एक्चुअली चाउमीन की तरह है लेकिन एग्जैक्ट चाउमीन नहीं है, देख लो थोड़ा। मतलब मेरे को तो ऐसे ही मतलब देख के मुंह में पानी आ रहा है, मतलब इतना लजीज लग रहा है देख के। सभी खा के टेस्ट करने का बारी है। सो एक ही बारी में मैं बैठ जाता हूँ डिनर करने के लिए, क्योंकि मैं और रुका नहीं सकता, उनका जीव में इतना पानी आ रहा है ना, मतलब खुद को रुका नहीं सकता। टेस्ट करके देखो और बोलो कैसा है। बोलो घटिया है। ठीक है ठीक। आज इतना गुस्सा हुआ ना, मैं सच्ची में बीवी के ऊपर मैं पहला बार में इतना गुस्सा हुआ एक ही चीज़ में। मैं अच्छा एक शॉट ले रहा था, मेरा दिमाग में कुछ था कि ऐसा शॉट लेना है, फिर उसके बाद उसको टेबल में जाके सर्व करना, फिर खाएगा, फिर टेस्ट करेगा। उसको इतना मिक्सर खाया, बिस्किट खाया, सब कुछ खाने के बाद जैसे ही खाना देगा वो टूट पड़ा, कुछ सोचा भी नहीं कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा हो गया, मैं अभी खा लेता हूँ फटाफट। मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता खाने के बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उसके लिए सॉरी।
मैं कैमरे के सभी के सामने बोल रहा हूँ सॉरी, एटलीस्ट कुछ तो चीज़ समझना चाहिए एज अ यूट्यूबर। तुम अगर किसी के सामने तुम अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो पूरा चीज़ को कंप्लीट करो। खुद बोलता है कि पूरा चीज़ कंप्लीट करो, लेकिन खाना देख के खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसलिए सॉरी। और मैं ब्लॉग को यही पेंट करता हूँ क्योंकि अभी मेरे को काम पे बैठना है, अभी मेरे को काम ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब वीडियो एडिट करना पड़ेगा। 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला। सो ब्लॉग यहाँ तक अगर अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बॉलीवुड को हेट मत फैलाओ। कल से ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हो रहा है, एटलीस्ट कल से देखो, उसके बाद जितना जो भी करना है कर लो, लेकिन पहले देख लो।